नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतू और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रेवोल्यूशनरी फार्मर। अच्छा मुर्रा का पशुधन चाहे वो हरियाणा प्रदेश के किसी भी गली किसी भी पशुपालक के पास क्यों ना खड़ा हो, एक दिखाने का और अच्छे पूरे देश भर के युवाओं तक एक प्रोत्साहन के तौर पर पहुंचाने का एक लगातार हमारा प्रयास रहता है। तो आज एक ऐसे पशुपालक के पास पहुंचे हैं जो कि सरकारी प्रतिष्ठित नौकरी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार की, वहाँ से इंस्पेक्टर पद से रिटायर होने के बाद भी जो इनका एक रुझान है अच्छे मुर्रा पशुधन के प्रति, वो आज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और 25 लाख रुपए का जो बुल, ताज नाम का जो बुल आपने सेल किया था, हरियाणा जो चैंपियन बना था और जो राजीव वेरावली हैं आंध्रा में, उन्होंने यहाँ से मुर्रा पशुधन खरीदा था। तो एक छोटा सा आंकलन आप अपने तौर पर खुद करें कि किस तरह से हमारा पशुधन जो है वो 8, 9, 10, 12, 15, 25 लाख तक भी बिकता है, उसके पीछे क्या कुछ कारण है, वो उम्मीद सर से हम जरूर जानेंगे। और यहाँ पर इनकी जो पहले नंबर पर जो मुर्रा झोटी खड़ी है वो काफ़ी सराहनीय। ले आए, घुमा करके दिखाएं एक बार, ये देखें दो दांत इधर लेकर गया, 26 महीने की है ये भाई, मात्र 26 महीने की झोटी है। और ये देख सकते हैं चला करके पूरा व्यक्तित्व तो दिखाते हुए, रोक लीजिए ये देखें पीछे का अडर क्वालिटी में जरूर एक बार कवर करना चाहूंगा। ये देखें आप, दो दांत में इस तरह का विकसित अडर आपको देखने को अगर मिलता है तो पशुधन काफी श्रेष्ठ कैटेगरी का है। ठीक है, चलाएं थोड़ा सा, बहुत बढ़िया, ये देखें आप, ठीक है इधर घुमाएं, ठीक है। तो उम्मीद सर हैं, एक बार अभिनंदन मैं जरूर करना चाहूंगा आपका, ये देखें हाथ हिला करके अभिनंदन जरूर करें, ठीक है। एक सेकंड। तो क्या कुछ जानकारी है जोटी के बारे में, आ जाएं बताएं। इसके बारे में ये है भाई, ये 28 kg भैंस की कट्टी है, ठीक है, और ये आज नरेंद्र डिगल पहलवान को दी है 6 लाख की। अच्छा, सेल कर दी इसको आज 6 लाख रुपए की। हाँ, 6 लाख रुपए का दिया। इतनी महंगी जो पशुधन होता है, ये 6 लाख का खरीद करके क्या करते हैं, मतलब ये अपना दूध में तो पूरा कर नहीं सकते। जीतू, ये अपना दुनिया के आते हैं हरियाणा की क्या प्रदेश की सबसे श्रेष्ठ कटिया ये है, 26 महीने की है, ये फर्स्ट टाइम में ही 25 किलो दूध देगी भाई ये जीतू, ये आपका मेरा गारंटी है, मेरी गारंटी है इसकी, ठीक है। दो दांत है, ठीक है, 26 महीने की है, और नरेंद्र पहलवान डीगल में खरीदी है। नरेंद्र सर हैं गांव डीगल से हरियाणा में ही, और देख सकते हैं काफी अच्छा मुर्रा का पशुधन। दो दांत है, सभी ने देखे, और दांत, एक सेकंड दांत जरूर दिखाएं, दांत नहीं दिखे, देख दो दांत है बिल्कुल, ठीक है, ले ले एक बार दांत जरूर दिखाएं ताकि आपकी बात सत्यापित हो पाए जो पशुपालक हैं उनमें। ये देखें आप, बड़े वाले जो दांत हैं वो दो ही हैं और सभी बच्चे वाले दांत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। ये देख सकते हैं पशुधन में काफ़ी जोर मशक्कत आपको करनी पड़ती है, शरीर में अगर ताकत है तभी आप कंट्रोल कर सकते हैं पशुओं को, ठीक है। छाया में ले जाएं, ब्यात पर पशु है गर्मी मान जाएगा, ले जाएं। ये देखें अडर की क्वालिटी और टिट्स के बीच में काफ़ी अच्छा स्पेसिंग है, और ब्याने के अभी दिन शेष हैं और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा। तो मालिक साहब नहीं आए लेने के लिए इसे, अभी जाएगी है 10 दिन भाई, अभी डिलीवरी का 10 दिन है भाई, अभी डिलीवरी के 10 दिन है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके बाद ये उस जोटी को ले आए, आगे ले आए उसको, हाँ ले आए, ये देखें मासूम चेहरा मोरा, सिंगों की बनावट अति सराहनीय, दो दांत में दो दांत, ठीक है इधर घुमाएं बेटा, आगे आ जाएं कैमरे के पास आकर के पूरी जानकारी दें, हाँ बताएं। माँ भी 28 kg इसकी माँ है, 15 दिन डिलीवरी के, कोई भी आने, यही है, हाँ यही है इसकी माँ, अच्छा ये कटड़ी आपने घर पर तैयार की है, ठीक है, ठीक है। और भाई जैसे जीतू का है, हमारे समाज में जीतू साफ छवि का है, साफ वीडियो बनाता है, ऐसे ही भाई 3 टाइम दूध कोई भी कांडा करके ले जाए जीतू, ऐसे नहीं लेके चले जाओ, कोई भी गरीब किसान है हिंदुस्तान में वो गरीब ही है भाई, आडवाणी अंबानी तो है नहीं कोई भी, सब गरीब आई कोई भी है जीतू, तेरी श्रेष्ठता यही है जीतू की भाई, जीतू एक मतलब कोई लाग लपेट कोई छलकपट नहीं करेगा जीतू,
दूध भी कहीं ग्राम मिल गई जीतू की एक नंबर का ही होगा। तो भाई अपना ये कोई भी भैंस 28 kg कर देगी मेरी भैंस, इसको जब परचेज करूंगा जो 3 टाइम अपनी मिल्किंग यहाँ करेगा, ठीक है, सेल तब करेंगे जब 3 बार की मिल्किंग खुद दिखा देंगे। ऐसे घुमाए बेटा, ये देखें भारी भरकम शरीर में है, हालांकि जो एवरेज इसकी हाइट जो है वो एवरेज रुकूंगा, लेकिन लाण पाण काफी अच्छा है। ये देखें इधर ले आए बेटा, धूप में घुमा करके और अंदर ले जाएं। तो उमेद पहलवान सर हैं, BSF के इंस्पेक्टर पद से रिटायर हैं, और उनका ये जो मुर्रा का पशुधन और मुर्रा का लगाव काफी अच्छा देखने को मिला। अभी ब्याने के कितने दिन बचे हुए हैं? 15 दिन शेष है। 15 दिन अभी शेष हैं, ठीक है, ले जाएं, ले जाएं, ले जाएं, ले जाएं, ले जाएं। और ये इसकी बेटी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, एक बार बेटा इधर ले जाएं। हाँ, ये देखें चेहरा मोरा, मासूम चेहरा मोरा। और अभी इसके दिन कितने दिन बचे हुए हैं? 1 महीना बाकी है जीतू भाई, 1 महीना बाकी है। कौन से सांड से ज्ञापन करवाई है? ये M29 का बीज रखवा था इसके, जब अपना बुल बिहार सिमन के लिए गया हुआ था। अच्छा, खुद का भी बुल है, उसका भी हम डिटेल में कवर करेंगे उसको भी, और उसकी काफी अच्छा। चौथे नंबर पर जो है ले आए, ये है जीतू भाई। तो इस मुर्रा पशुधन के बारे में अगली जो भैंस है उसकी जानकारी उमेद सर से लेते हैं। तो सर बताएं इसके बारे में। जीतू भाई ये 20+ है। हाँ जी, तीसरी बार अब ये डिलीवरी हुआ है इसका, तीसरी बार। हाँ, कोई भी है ना, एक हफ्ते बाद आने का अपना मिल्किंग करके ले जाए, 20+ होता खरीद ले, मैं मेरी है मेरे घर पे, मैं क्या लूंगा उसका। हाँ, बिल्कुल, तीन टाइम कोई भी हो हिंदुस्तान में, मैं तो कहूँ भाई जीतू जैसी तेरी छवि है, भगवान ऐसी करे, हम भी ऐसे ही। हाँ, 3 टाइम मिल्किंग कराएंगे भाई, 3 समय मिल्किंग करें और ले जाए, आपकी भी संतुष्टि और अगले की भी। किसान भाई भी वहाँ भी गरीब है, यहाँ भी भाई है, वहाँ भी भाई है, वहाँ पर कोई छलकपट नहीं। हाँ, बाद में पैसे लेंगे, पहले अपना 3 टाइम मिल्किंग करे कोई भी आदमी, 3 समय मिल्किंग। हाँ, करे तो वीडियो तो दुनिया बना रही है, चैनल चला रही, भाई जीतू जैसी छवि आपकी है हम ऐसी चाहूँ, हम ऐसे नहीं करते, हमें कोई लाग लपेट पैसे ले लियो कर दिया कर। बहुत बढ़िया, बहुत भाई जैसी ये छवि है, चलो बहुत, कोई भी आओ अपना मिल्किंग करो। तो अपने जीवन में सिद्धांत जरूर बनाए और सिद्धांतों से जरूर चिपके रहें, तो ये एक अच्छा संदेश। ज्यादा परचेज का चक्कर नहीं है भाई, अपना शौक है जीतू, जो अपना ही शौक है, बढ़िया पशु है लेने वाले हिंदुस्तान में, मानता हूँ अच्छा पकड़ दूंगा, वो हमारे पास आए, हम तो रंग सींगे बोल रखे हैं, हम वैसी खरीदते नहीं, जवान भैंस लेते हैं। अच्छा, और वैसी नीत कैसी हो। हाँ हाँ, चलो तो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये देख सकते हैं काफ कल ब्याई थी, कल ब्याई थी, ये देखें, ठीक है ठीक है, ले जाए ले जाओ, ले जाओ अंदर ले जाओ, बस परेशान ना करें, कल की ब्याई हुई है, अंदर ले जाएं और आ जाओ, अंदर आ जाओ। और ये देखें भारी मात्रा में मुर्रा का पशुधन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छा, बहुत है, 20-20 kg की, 19 kg कोई भी अपने हाथ से मिल्किंग करे इसमें। अच्छा, 19 kg दूध आपने बताया है, ठीक है, तो इस तरह की भैंसें जो 19 kg की हैं। हाँ, सुस्पष्ट सटीक प्राइस बताएं, किस प्राइस तक अवेलेबल है? एक लाख साठ हजार। अच्छा उमेद सर, आप सीनियर हैं काफी, इस फील्ड में काफी महारत आपके पास है, आजकल ये जो बताते हैं कि 20 लीटर दूध की भैंस मात्र 85,000 रुपए में, सही है या गलत है? ये बिल्कुल छलकपट है जीतू, ये चैनल वाले कर रहे हैं। हाँ हाँ। भाई आप जैसे बनाने लगे ना जीतू, हाँ हाँ। तो ये भ्रष्टाचार खत्म, आप कर स्कोर के बस कहनी है तो पैसे लेके वीडियो बना दी। 18 किलो की भैंस हिंदुस्तान में कितनी, हरियाणा में कितनी भैंस मानो आप, 100 भैंस मुश्किल से होंगी, 100 भैंस रोजाना 50 बेच रहे हो, कहां से आ रही है, झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। मैं तो कहूँ भाई वहाँ भी अपने भाई हैं, तो 3 टाइम करके अपना जब दूध दो, अपने भाई हैं महाराष्ट्र के, आंध्र जा रही है, पंजाब जा रही है, कहीं पर भी जाए, अपना भारतवर्ष के किसान ही हैं वो भी, हमारे भाई हैं, गरीब ही हैं वे भी। मैंने बोला अडवाणी अंबानी हुए तो है नहीं कोई, ठीक है, तो भाई ये कह रहे हैं मैं तो कोई भी भैंस खरीदे अपना दूध देखे ऐसे पैसे कोई। और उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो कि 85,000 रुपए में 80 किलो दूध इस प्रलोभन को देख करके और घर से आ जाते हैं कि हाँ अब 20 किलो की 85,000 में ले जाएंगे? 18 किलो की भैंस मैं तो लूंगा 1.5 लाख की ले लूंगा, करो चैलेंज कोई भी हरियाणा में, 18 kg के हरियाणा में कोई भी भैंस हो मैं ले लूंगा 1.5 लाख रुपए की, और 85 की कहाँ बेच रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं सब। तो ये देखें वो भाई जीतू, ये तो 18 किलो कितनी भैंस है, 10 गांव में एक भैंस मिलेगी 18 किलो की, ये वैसे ही बोलते हैं, ये चैलेंज वाले कर रहे हैं जीतू। तो भाई आपने जैसे सब इंसान हैं,
उन इनको तो ठीकना पड़ेगा। गलत बात है, ये झूठ बोल गए। 70,000 की 80,000, मैं एक कट्टी ना दूंगा, एक साल की कट्टी है, 1.5 लाख की दूंगा, वो 18 किलो की बेच रहे हैं, घर बना रहे हैं कोई, ये सब झूठी बात है। ये सब तो देख सकते हैं, सीनियर हैं। फिर मैं कहना चाहूंगा 22 साल जीवन के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जैसी संस्थाओं को इन्होंने दिए हैं, और सीनियर हैं पशुपालकों में भी काफ़ी, और काफ़ी अच्छा मुर्रा पशुधन का इनको ज्ञान है, और उन्होंने ये बात पुरजोर बताई है कि इतने इस प्राइस रेंज में 20 लीटर की भैंसें नहीं मिलती। ठीक है, बताएं अगली भैंस। ये क्वालिटी है, 20 केजी काटा करके कोई भी, ये भी 20 केजी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑर्डर की बनावट मैं एक बार जरूर दिखाना चाहूंगा, ये देखें आप, बहुत शानदार। ठीक है, ठीक है, चेहरा मोरा ये देखें, मासूम चेहरा मोरा, छोटा सींग है। अच्छा, एक और जो आपके बारे में कहा जाता है कि सींगों के बारे में बहुत विशेष हैं आप, सींग आपको अच्छा ही चाहिए। मतलब मेरे को तो ना पहली खरीद पहले सींग देखता हूँ, सींग देखते हो, जवान देखता हूँ, और मेरा घर का शौक है, लड़के बताऊँ 6-7 लड़के हैं, रेसलिंग कर रहे हैं, हमने अपना घी दूध का शौक है, और सुंदर का तो भाई मेरे पास दुनिया देखने आती है, रिंग सींग वगैरह में जीतू मेरा कोई काम नहीं, कोई काम भी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो खरीदता नहीं। तो देख सकते हैं शौकीन है, और गहरे शौकीन है। 19 केजी दूध है, 10 इनकी डिलीवरी है, 6 दांत है भाई इसमें, 19 केजी। हाँ, अपना काटा करो, 3 टाइम कोई खरीद लो, कोई खरीद, इसकी प्राइस 1.5 लाख रुपए प्राइस, 1.5 लाख रुपए प्राइस है। 19 केजी आपने दूध बताया है, और कितने दिन की ब्याई हुई अभी? आज 12 दिन की डिलीवरी, 12 दिन की डिलीवरी है। हालांकि ये देखें थोड़ा चेहरा मोरा इसने जरूर वो लगाया है, अन्यथा बहुत सुंदर फेस कट है। और नीचे है, वो देखो लेआउट इसकी, ये देखिए, और एक 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 बार इसको बाहर निकालें। तो यहाँ पर देख सकते हैं, खुली रखते हो इसको? खुली रखते हैं, बिल्कुल। बताएं तो पूरी डिटेल बताएं इसकी, ले जाओ बाहर, ले जाओ। ये जीतू भाई आपकी बार 8वीं बार डिलीवरी है, 8वीं बार डिलीवरी है। ठीक है, 28 प्लस है, 28 प्लस दूध है। रोक दे बेटे, छोड़ दे, रोक दे, छोड़ दे बेटे। अब नवम्बर में ये 8वीं बार डिलीवरी है। ठीक है, इसके काफ भी बेचे होंगे, भगवान झूठ नहीं बोला है तो 10 लाख के इसके काफ बेच दिए होंगे जीतू भाई मैंने। आपने? हाँ, 10 लाख रुपए के इसके काफ बेच दिए, काफ बेच दिए हैं। और ठीक है, 28 प्लस है जीतू, 28 प्लस। कितनी खासियत है, खुली एयर है जीतू, या किसी भैंस को छेड़ती नहीं, अकेली बैठती है, अपने स्थान पर जाती है और वहीं से आती है, खुला रखते हो? खुला रखते हैं इसको, ऐसे गल में डाल दिया है, बोल दे। इसका ये है, और अब भी नवंबर में डिलीवरी है इसका, नवंबर में डिलीवरी है। कौन सी बार भी आएगी? 8वीं बार, 8वीं बार भी आएगी। ये वो जोटी है, इसको उधर ले जाएं, और लेवटी के ऊपर चेहरा मोरा आप देखें, जो कि खासियत इन्होंने बताई, क्या 19 केजी दूध तैयार है, 14 दिन की डिलीवरी है। बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोकें, रोकें, रोकें। इसका जो विशेष जो गुण हमें देखने को मिला है कि अर्डर जो है, तो ये देखें आप, लेवटी के ऊपर छाया मत करें, बस बस। विशेष जो गुण हमें इसमें देखने को मिला है कि अडर के ऊपर जो एक एक उभरी हुई नसें हैं, ये उभरी हुई नसें क्या, इनका जो काम होता है कि ये ब्लड सर्कुलेशन को लेवटी में बढ़ा देती हैं, और इससे इसकी जो दूध उत्पादन क्षमता है ये बढ़ती है। ट्रैक्टर की तरफ फेस करें इसका, ये देखें आप, इस चीज़ को जानें, परखें और सीखें। जब कभी भी पशुधन को खरीदें, इस तरह का टाइट अडर हो, ले आए, ले आए। हाँ, बहुत बढ़िया, बेस्ट। रोकें सूरज की तरफ, ये देखें आप, आगे और पीछे का अडर, रोकें, और बताएं। ठीक है, तो थोड़ा एक बार बांधें, किसी खुट्टे पे बांधें इसको। तो इसका कितने आपने एज उम्र बताई है, कितने दांत? ये उम्र होगी भाई 4 साल की जीतू होगी ये। ठीक है, और प्राइस इसका 1.5 लाख रुपए फिक्स, 1.5 लाख रुपए फिक्स प्राइस इन्होंने बताया है। 14 दिन की डिलीवरी हो, आज होगी 14 दिन की ब्याई हुई है। और ये देखें पीछे से अर्डर देखें, और ये देखें टिट्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो बहुत ही बढ़िया, ये देखें आप। और ये देखें नस इस तरह से उभरी हुई बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी, और स्पेस और ठुकी हुई लेवटी, पक्की लेवटी से कहा जाता है, ज़्यादा दिखावा नहीं होता है, लेकिन दूध उत्पादन क्षमता इस तरह की लेवटी में काफ़ी तो अच्छी नारी है अपने आप। अच्छा, ये आपकी सीनियर भैंस है, सबसे सीनियर, 8 बार ब्याह चुकी है, 8 बार, और अभी कितनी बार? अभी 8वीं बार ब्याहने वाली है, ब्याहने वाली है।
अच्छा, आपका तजुर्बा काफी लंबा है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इधर फेस करके बताइए कि एक मुर्रा का पशुधन अपने जीवन काल में तकरीबन कितनी बार बच्चे जन्म दे देता है? ये जो जैसे ये होगी 20-22 बार बच्चा दे दे है, दे देती है जो अच्छी और साल भर में बहने वाली जीतू भाई। अच्छा अच्छा, हर साल जो बच्चे को जन्म, अब इसको आदमी बता रहे हैं ये बच्चा देगी 3 बार, और हम झूठ नहीं बोलते जीतू भाई, 8वीं बार देगी, 8वीं बार बच्चे को डिलीवरी होगी, कोई भी आएगा उन्होंने कहा पहलवान जी 3री बार बच्चा दे रही है माँ भाई, 8वीं बार बच्चा देगी, 8वीं बार बच्चे को जन्म देगी। तो एक हरियाणा में मान्यता है कि 3 बार से ज्यादा भैंस ब्याती नहीं है? नहीं नहीं, ये झूठ है, मान्यता इन द सेंस झूठ बोलते हैं। 20 की तो सभी को पता है, 20 बार तो, और 22 बार भी दे दे है भैंस जो साल भर में दे है, नहीं तो ये झूठ बात है। 3 बार क्या नहीं, व्यापारी जो वर्ग होते हैं वो 3 बार से ज्यादा की भैंस बताते ही नहीं है। हरियाणा का रूल क्या, देश का रूल है, भैंस 10 रुपए ब्याले कहेंगे 4वीं बार भाई, 3री बार, और एक पहलवान ऐसा है 10 रुपए ब्याई तो 10 भाई बताएंगे भाई जी तुम्हारा नहीं, मतलब इसको और बोल रहे हैं 3री बार बच्चा देगी, मैं कह रहा हूँ 8वीं बार देगी, 8वीं बार ये बात नहीं। ये देखिए बहुत ही, इसके 10 लाख के काफ दे दिए बिच्चू, 10 लाख के हाँ जीतू भाई चुके हो आप, हाँ ठीक है। अरे एक मेरी बहन है रामू की, उसको गिफ्ट में दी थी कटिया। तो रामू सर हैं गांव गद्दी खेड़ी से और आपके घनिष्ठ मित्र हैं, और देख सकते हैं छोटा भाई है मेरा, छोटे भाई की तरह है, और बहन भी मेरी छोटी बहन है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत उसको मैंने गिफ्ट दिया था, मैं बहन तेरे को गिफ्ट दे रहा हूँ अपनी पोची बंदाई बहन, और बहुत बड़े संपन्न है ऐसे नहीं, बहुत बड़े जमींदार हैं, बोले भाई पैसे दूंगी, मगर नहीं नहीं बहन मैं तेरे को पैसे, तो देख सकते हैं ये सिद्धांत है, दिलों से रिश्ते जोड़े हैं, पैसे पर मरने वाले काफी मिलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक और मुर्रा का पशुधन यहाँ पर, इसकी क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में और बताएं? बेटा चलाओ चलाओ भाई, फर्स्ट टाइम में 13 लीटर दूध दिया था, 13 लीटर दूध दिया था, हाँ अब ये 2री बार डिलीवरी है, 15 दिन की डिलीवरी है भाई, ठीक है। तो तकरीबन इसकी प्राइस है भाई 1.25 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए प्राइस है भाई, 6 दांत में बताया गया है, ये देखें आप, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, ले आओ ले आओ ले आओ, अंदर ले जाओ ले जाओ अंदर। ये देखिए एक ही खुट्टे पर काफी मुर्रा का पशुधन देखने को मिल रहा है, ठीक है, इधर चलाएं बेटा धूप की तरफ, और ये देखें उसके बाद एक और सेकंड टाइम है जीतू भाई, हाँ यहाँ से बताएं, हाँ जी ये भी सेकंड टाइम है, ये भी फर्स्ट टाइम में 12 लीटर दूध दिया था इसने, फर्स्ट टाइम अपने ही पास पैदा ही है, यहीं की है। अच्छा आपने खुद घर पर, हाँ घर की तैयार है, घर की तैयार है, तो कटड़ियाँ आप तैयार भी करते हैं, ठीक है बेटा ले जाओ, जो ठीक रेट में बिकती है बेच देते हैं जीतू, और भैंस हम मतलब तकरीबन 20+ ही रखा, 20+ ही रखते हैं, ये देखिए शौकीन आदमी है। अच्छा अच्छी खासी पेंशन मिल जाती है बीएसएफ से? हाँ 32,000 रुपए मिल रहे हैं भाई, भगवान की दया, जीतू भाइयों की दुआ है, नहीं? चलो तो फिर मैं शौक के लिए कर रहे हो, साल को बुलाओ कहाँ भाई, आज एक बार मिलाएंगे भाई से, वो बुलता रहे मेरे, एक बार बुल तो देख लो, लो जरूर जरूर ले जाओ भाई जल्दी। और यहाँ पर इस शेड में देखें आप, भारी भरकम भीमकाय और अच्छी मिल्क लाइन का नाम है इसका भाई, क्या नामकरण किया है? महाबली, महाबली, महाबली इसका नामकरण किया है, 6 दांत है, 6 दांत में है, चला करके इसका पूरा व्यक्तित्व, पूरी पर्सनैलिटी एक बार जरूर चला करके देखना चाहेंगे आप, इसको खोलें, तब तक इस कटड़े के बारे में और बताएं, ये कटड़ी आप घर की तैयार करें? ये घर की तैयार है, हम काफ तैयार करा है, काफ तैयार, कोई अच्छा रेट देगा तो परचेज कर दे, सेल कर, सेल कर दिया, नहीं तो भाई अपने रखा, ठीक है। इस बुल के बारे में डिटेल बताएं, 11 महीने का तो बच्चा है, 11 महीने का बच्चा, और ये ताज का बेटा है, ताज का बेटा जो चैंपियन बना था, जो ताज बुल जो आपने, हाँ उसको ले गया वीरावली, राजीव ले गया, राजीव सर है वीरावली से, हरियाणा चैंपियन बना था, और इसकी माँ वो है 28+, जो बोला था बीमा कोई भी कांडा करके लेना 15 दिन, उसका बच्चा ही, मदर साइड से 28+ दूध वाली जो खुली घूमती है ना, उससे दूसरी वाली भारी वाली, ठीक है। अरे जिसकी बहन है वो 2 दांत, अच्छा, वो इसकी बड़ी है, उससे छोटा ये है, अब ये 11 महीने का हो गया। तो इसके साथ में जो कटड़ी खड़ी है ये कितने महीने की होगी? ये होगी मान लो ये 10 महीने की होगी, ये 10 महीने की होगी, और ये हो गया 11 महीने, 11 महीने, ये देखिए, ठीक है। और बड़ा जो बुल है उसको बाहर एक बार खुलवा करके और उसकी पूरी पर्सनैलिटी आपको जरूर दिखाएंगे, ये देखें। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है, पेडिग्री के बारे में जरूर बताएं। ये M29 का बेटा है, किसका बेटा है? M29 का बेटा, M29 का बेटा है, ठीक है। और 6 दांत हो गया अभी, 6 दांत में हो गया, 6 दांत में हो गया है। और मदर साइड से, मदर साइड की ये गाँव ने खरीदा था, इसी अपना करोथा गाँव है, वो 24+ है इसकी माँ, अच्छा 24+, 24+ थी, और ये M29 का बच्चा है, और अब ये हो गया 6 दांत है भाई, ये 6 दांत है, इधर ठीक है, इधर लाओ बेटा, इधर लाओ। तो ये देख सकते हैं
मुर्रा नस्लों को विकसित करने में मुर्रा नस्ल के जो उम्दा सांड हैं उनका एक अपना अहम भूमिका है। बिना सांडों के अच्छी कटड़ियाँ और दूध वाली कटड़ियाँ आगे जन्म नहीं ले सकती, इस बात में कोई दोराय नहीं है। तो देख सकते हैं सांड की व्यवस्था के ऊपर हमें दोबारा एक बार जोर देना होगा। तो ये देखें चेहरा, लंबा चेहरा, पतला चेहरा, सींगों की बनावट आप देख सकते हैं। और जो एक नर के अंदर, सांड के अंदर जो एक रोब होता है, वो रोब देखें खड़ा होने का, जो इसका पूरा व्यक्तित्व है ये काफ़ी अच्छा। तो आपकी क्या कुछ हाइट है सर? मेरी होगी 5'9". तो ये देख सकते हैं तकरीबन आप हाइट की खुद तुलना कर लें कि बुल का जो व्यक्तित्व है और सर की जो हाइट है। और मदर का रिकॉर्ड जो आपने बताया तकरीबन पंचायत में 24+ थी, गांव करोथा डिस्ट्रिक्ट रोहतक में, हाँ पंचायत ने इसको खरीदा था। M29 का बच्चा बता रहे हैं, M29 का बच्चा, तो वहाँ से आप लेकर के आए थे? ठीक है, आप कितने का लेकर के आए थे? सिर्फ 84,000 का। और कितने लग चुके हैं अब इसके? 2.25 लाख रुपए। 2.25 लाख तक, तो उस समय कमजोर था? बिल्कुल कमजोर था। और अभी कितना चाट बाट खिला देते हैं इसको? अब तो खाता होगा 15 kg खाता होगा भाई। 5 बाल्टी तो मैंने देखी अभी, मेरे सामने भर के डाल दिया है। खा रहे हैं, दूध पिला रहे हैं 5-6 किलो डेली। अच्छा, दूध भी पिलाते हो, बहुत बढ़िया। तेल भी, ये देखिए आप खाने का तो शौकीन है। फिर कहना चाहूंगा सम्मानित जो प्रतिष्ठित नौकरी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में इंस्पेक्टर पद से रिटायर हैं, 22 साल का लंबा सेवाकाल BSF जैसी प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस को दिया, और ये देख सकते हैं अब दोबारा मिट्टी की तरफ रुख किया है। मिट्टी के जो शौक हैं, पहले पहलवानी की, बच्चे भी इनके पहलवान हैं। और ये देख सकते हैं अब जो हमारी पशुपालन, मानव सभ्यता जितनी पुरानी है उतना ही पुराना ये शौक है पशुपालन का, तो उससे जुड़े हुए हैं। ये देखें आप, शांत है, बिल्कुल बिल्कुल शांत, कोई एग्रेशन नहीं, बहुत ये देखें बहुत बढ़िया बॉडी स्ट्रक्चर। तो काफी अच्छा मुर्रा का पशुधन आपके फार्म पर देखने को मिला। कोई आपसे जानकारी अगर लेना चाहे किसी प्रकार की तो नंबर बताएं 98-126-77-933-933। उम्मेद पहलवान भैंसरू, उम्मेद पहलवान सर हैं, गांव भैंसरू खुर्द। सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार, थैंक यू वेरी मच भाई। आज को कर दिया, सब्सक्राइबर कर दिया करो भाई जीतू को, धन्यवाद। एक नंबर का काम जीतू भाई करता है भाई, कोई लाग लपेट का काम नहीं करते, कोई पैसा नहीं। जीतू जो पास करेगा उसको आंख मीच के खरीद ले, कोई भाई किसी को शक नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो उम्मेद सर के फार्म पर गांव भैंसरू खुर्द में और भी देख सकते हैं सम्मानित महानुभाव आए हुए हैं, और यहां पर देख सकते हैं वार्तालाप होती है अच्छे पशुधन की, क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, उनके ऊपर चर्चाएं होती हैं। तो यहां पर देख सकते हैं हाथ हिला करके एक बार सभी अभिनंदन जरूर, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच।